हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एक्सरे कैसेट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरे कैसेट एक्सरे कैसेट डिफरेंट टाइप की होती हैं द नंबर वन इज सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट में इसमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है जो कि कैसेट के बैक साइड में माउंटेड होती है और इसमें सिंगल साइटेड इमल्सन फिल्म का यूज़ करते हैं सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट का यूज़ मेनली मेमोग्राफी में करते हैं नेक्स्ट टाइप है डबल स्क्रीन कैसेट इसमें टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है और इसमें डबल साइडेड इमल्सन फिल्म का यूज़ करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट में कि इसमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है जो कि कैसेट के बैक साइड में होती है और इसमें सिंगल साइडेड इमल्सन फिल्म का यूज़ करते हैं बट जो डबल स्क्रीन कैसेट होती है इसमें टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है इसलिए इसमें डबल साइडेड इमल्सन फिल्म का यूज करते हैं और इसका उस जर्नल रेडियोग्राफी में करते हैं जबकि जो सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट होती है उसका यूज मैमोग्राफी में करते हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये डबल स्क्रीन कैसेट है, इसमें दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और डबल साइडेड इमोशन फिल्म का इसमें यूज करते हैं इसके बाद है कर्ब कैसेट कर्ब कैसेट का डिज़ाइन डबल स्क्रीन एक्सरे कैसेट जैसा होता है ओनली इसका सेप कर्ब्ड होता है कर्ब कैसेट का वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट और फ्लैट कैसेट का क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाता है फॉर इंटर इंटरकॉन्डाइलर प्रोजेक्शन ऑफ फ्लैक्सनी कर्ब कैसेट स्मॉलर साइज में अवेलेबल होती हैं इसका यूज़ ओ स्कैन में पेनोरामिक व्यू लेने के लिए किया जाता है नेक्स्ट टाइप है ग्रेडेड कैसे? ग्रेडिट कैसेट का डिज़ाइन डबल स्क्रीन एक्सरे कैसेट की तरह ही होता है ओनली द डिफरेंस इज़ इसकी फ्रंट साइड के ऊपर एक स्टेशनरी ग्रेड माउंटेड होती है और इन कैसेट का यूज़ वार्ड एंड बेड साइड मोबाइल रेडियोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है जहाँ पर बाकी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है ग्रिड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ डेंस बॉडी स्ट्रक्चर प्रजेंट होते हैं और ग्रेडेड कैसेट स्केट रेडिएशन को रिड्यूस करके रेडियोग्राफिक क्वालिटी को इम्प्रूव करता है इसके बाद है मल्टी सेक्शनल कैसेट इन कैसेट का यूज़ मल्टी सेक्शनल रेडियोग्राफी में करते हैं मल्टी सेक्शन मीन्स होता है ऐसी कैसेट होती हैं जिसमें मल्टी सेक्शन होते हैं इन मल्टीपल सेक्शन में थ्री टू सेवन फिल्म एक टाइम पर होल्ड कर सकते हैं और टू फिल्म्स के बीच में स्पेसर्स का यूज़ किया जाता है इसके बाद है वैक्यूम कैसेट्स वैक्यूम कैसेट्स फ्लैक्सीबल कैसेट होती हैं और इन कैसेट्स में फिल्म को लोड करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है और फिल्म लोड होने के बाद वैक्यूम को रिलीज करना पड़ता है जिससे कि स्क्रीन और फिल्म का कॉन्टेक्ट अच्छा बन सके इसका भी यूज पहले कर्ब पार्ट के लिए किया जाता था आजकल इन कैसेट्स का यूज नहीं होता है आज के टाइम पर डी आर सिस्टम का यूज करते हैं दैट्स ऑल अबाउट फॉर टूडे टू गेट मोर वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू